अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ये साइड में टॉन्सिल हो गया है मुझे, तो जब ऐसे करती हूँ ना तो इधर दर्द हो रहा है, तो बस वही दिक्कत, थोड़ी परेशानी है। उसके लिए टैबलेट मैंने बोली है इनको लाने के लिए, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो जाके डॉक्टर को दिखा लूँगी मैं। और थोड़ा सा वीक फील हो रहा है उतना ही बस। और अभी मैं चाय पी रही थी तो सोचा आप लोगों से भी बातें कर लेती हूँ थोड़ी, और यहाँ पे ग्रीन टी पी रही हूँ मैं। पता नहीं इसकी वजह से हो गया है, शायद मालूम नहीं क्यों हो गया है टॉन्सिल। मैंने तो कुछ भी ठंडा वगैरह कुछ नहीं खाया है, पता नहीं क्यों हो गया है, अल्लाह को मालूम। और गर्म पानी भी पी रही हूँ मैं लगातार, जिसमें ठीक हो जाए जल्दी से। और टैबलेट भी कहा है, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द था तो मैंने इनसे कहा कि मुझे टैबलेट ला के दो, इधर वाइट वाइट हो गया, अंदर पक गया है शायद वो टॉन्सिल, तो मुझे दर्द हो रहा है। और बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया घर में, तो मैंने सोचा आज शुरुआत घर से ही करते हैं व्लॉग की। और आप सब कैसे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, और मम्मी ने कॉल किया था कि पापा गाजर लेके आए हैं, रेड वाली गाजर आती है ना जो सर्दियों में आती है, वो वाली गाजर लेके आए हलवे के लिए, खूब सारी लेके आए माशाल्लाह। तो आज वो हलवा बनाएंगे गाजर का, तो वही मैं जा रही हूँ, तो सोचा आप लोग के साथ हलवे की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वही चाय पी रही थी, चाय पी के जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं शाम के, और बस यही बताना था आप लोगों को। तो वहाँ जाके मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। चाय पी के मिलती हूँ थोड़ी देर में। इसको अंदर डालो। नहीं मैं उचक उचक के चल रही है। उड़ के आई इधर पे, सर पे बैठी। नहीं उठती नहीं है, वहां तो बैठ जाती है। नहीं बैठती है, व्हाइट वाली बैठती है ये, भी बैठती है। इसको ट्रेनिंग से पकड़े दो, उस टाइम बैठा दो, चलाया तो चलो इस। हां अभी डरी हुई है ना थोड़ा। डाल दो सुल्तान, डाल दो, परेशान है। सुना देख ले, मैं पैकिंग तुलवा दूंगी। दोस्तों देखिए मैंने इसको जबरदस्त, डाल दो अंदर, डाल दो प्लीज, जबरदस्त वाली ट्रेनिंग दे रहा है सुल्तान। वो भी ट्रेनिंग ना दो, नहीं होती है। मैं कल्लू है, तुम कल्लू, इसको आराम से बैठा छोड़ी, इसकी पूछ देखी पैरी से, ये बैठी दो, मैं भी छू, उड़े ना बस, धीमे से छूए, ज्यादा दबाव दे तो। ये देखो आके मत कर ले रही है, छुआ तो मेरा कल्लू को मसाज मिली। कल्लू मत दोच लेता, होंठ दोच खा जा, मजा आ जाए, फिर काले ए रख दो, रख दो होंठ पतले, बत्ता कैसे हो जाएगा अंदर उड़ में। नहीं उड़ती, बैठी है, देखो फिर पंख फैला रही है। रहन दो ना उड़ा, और डाल दो ना, परेशान कर परिंदों को रात के टाइम, बैठते हैं डालो, आराम करते हैं, बदबू देते हैं, फिर उनको परेशान रखो। रख दो रख दो रख दो रख दो भैया, चल इनको देखो, मम्मी मुझे ना दिखाओ, ये डर रही, चढ़ गई ऊपर चुड़िया से, डर रही बर्ड से, बैठ गई उंगली पे। कल्लू मेरा समझदार है, कल्लू आएगा कैमरे के ऊपर चिपक जाएगा, डरना नहीं कल्लू, हिम्मत वाले तो। मुझे बोलना चाहिए तो उसको बोल रहा है, बोल लिया मैं हिम्मत वालों। फ्रेंड्स देखिए कितनी सारी गाजर लेके आए हैं पापा माशाल्लाह से, और इसको हम लोग पहले क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके साथ दिखाती हूँ इसको छील के, इसको ग्रेट करने के बाद दिखाऊंगी आपको, क्योंकि छील के ग्रेट करना क्या दिखाऊं वो तो सभी कर लेते हैं। तो ये छील के ग्रेट करने के बाद जब हम लोग बनाएंगे ना, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ पूरी शेयर करूँगी, पहले इसको छील लेते हैं और ग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हो, माशाल्लाह इतनी सारी गाजर है, और अदीबा इसको छील के देगी और मैं ग्रेट करूंगी, इससे इससे ग्रेट करेंगे, और अदीबा पूरी छील के क्लीन करके मुझे देगी, ठीक है अदीबा? ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं जब तक अपनी कज़न से बात करने लगी, उसका बर्थडे था आज, तो उसको विश कर रही थी, तो उतनी देर में मम्मी ने क्या किया, इसको बघार दिया, और इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं आपको बता देती हूँ रेसिपी। इसको हम लोग ने ग्रेट कर लिया था, और ग्रेट करने के बाद हम लोग छील के पहले ही धो लेते हैं, फिर ग्रेट करते हैं। ग्रेट करने के बाद मम्मी ने कुछ नहीं किया, देसी घी डाल के और इलायची डाल के, ऐसे कूट के इलायची डाल के, और उसमें ये डाल दिया है,
और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मम्मी इसमें दूध डाल रही है और कच्चा दूध डाल रही है, पका हुआ नहीं है। आप लोग चाहे तो पका हुआ डाल सकते हैं। इसको अच्छे से पहले मम्मी ने भूना है पहले घी में, फिर उसके बाद इसमें दूध डाल रही है। अब कम से कम ये गाजर 3 केजी थी, तो 3 केजी गाजर में 1.5 लीटर दूध डाल रहे हैं और उसके बाद इसमें खोया भी डालेंगे। और ड्राई फ्रूट में सिर्फ हम लोग इसमें ये डालेंगे काजू और बादाम बस, और किशमिश वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हलवा पहले ही इतना मीठा होता है, उसमें किशमिश क्यों डालना। सिर्फ काजू और बादाम डालेंगे बस। और यहाँ पे 1.5 लीटर दूध डाल रही है मम्मी, उसके बाद आखिरी में इसमें खोया भी पड़ेगा इसलिए, नहीं तो पूरा 2.5 लीटर दूध जाता। 3 केजी गाजर है ना, लेकिन खोया पड़ेगा इसलिए 1.5 लीटर। देखिए इतने बड़े भगोने में है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे पता नहीं चल रहा था इसलिए मैंने दिखा दिया। और इसमें थोड़ा सा पानी भी पड़ेगा क्योंकि गाजर बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। जब तक मैं अपनी कज़न से बात करने लगी, मम्मी ने यहाँ बगाड़ दिया, मुझे पता ही नहीं चला अब मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा आप लोग को ऐसे ही दिखा देती हूँ, कुछ तो अंदाज़ा मिल ही जाएगा आप लोगों को। नहीं लेट हो रहा था, टाइम बहुत, हाँ टाइम भी हो रहा था, और मुझे बातें करते रहो कज़न लोगों से तो पता ही नहीं चलता है टाइम का। मम्मी से पानी भी पड़ेगा थोड़ा ना, क्योंकि गाजर तो पानी छोड़ेगी, हाँ पानी पे छोड़ेगी, फुल फुल आंच पे है। नहीं इसको ऐसे ही फुल आंच पे पानी छोड़ने देंगे, इसको पिचक जाएगी अभी, ये पकते पकते नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ तो अपने आप ही कम हो जाएगी, अपने आप कम होगी। मम्मी जल्दी पका, मैं खाऊंगी जल्दी। नहीं पकने का भी बहुत देर लगती है, 2 घंटे लगते हैं इसको पकने में। 2 घंटे 2 घंटे चाहिए गाजर का हलवा पकाने के लिए, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, क्योंकि इसको अच्छे से भूनना पड़ता है। और जो कुकर वाला होता है उसमें बिल्कुल भी बाजार वाला टेस्ट नहीं आता है। ये जो हम लोग बनाते हैं ना, बहुत से लोग कुकर उबाल लेते हैं, उबालने में बाजार वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। ऐसे ऐसे ग्रेट करके बनाते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे बाजार में मिलता है ना वैसा टेस्ट आता है, जैसे वो लोग कढ़ाई में बनाते हैं वैसे ही टेस्ट आता है। बिल्कुल टाइम लगता है कि अच्छा बनता है, बिल्कुल बाजार के जैसा जैसे मिलता है मिठाइयों की दुकान में, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। हमारे यूपी में, ये यूपी में बहुत बनता है सर्दियों में, और हमारे यहाँ भी बनता है हर बार जब सर्दी पड़ती है और रेड वाली गाजर आती है ना, तभी हम लोग के हलवा पकता है। ऑरेंज वाली गाजर से बिल्कुल नहीं लगता कि उसे लगता ही नहीं है कि गाजर का हलवा है, वो टेस्टी नहीं आता है बिल्कुल। और मम्मी यहाँ पका रही है, तो हर बार जब सर्दियाँ आती हैं और रेड वाली गाजर आती है लंबी वाली, तभी यहाँ पे गाजर का हलवा हम लोग बनाते हैं, तब 3-4 बार बनता है अच्छे से। और फ्रिज में रख के जब भी मन होता है माइक्रोवेव करके खाने में मज़ा ही आ जाता है गरम गरम। चलो कुछ तो आइडिया मिल ही जाएगा आप लोगों को इससे, तो इसको पकने देते हैं फुल आंच में। नहीं इतना लोगों को मालूम ना रहता है, हाँ इतना तो पता ही है कि घी के अंदर भून के फिर दूध डालते हैं इसमें, और इलायची भी डाल दिया। यूपी में तो घर-घर पकता है कोई, वहाँ तो सब लोग पकाते हैं, कुछ लोग जैसे कुकर में पकाते हैं लेकिन कुकर में वो टेस्ट नहीं आता है, इसलिए करते हैं कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए और निकल जाए जल्दी। हाँ इसमें क्या लगता है, इसमें टाइम जरूर लगता है लेकिन टेस्ट बिल्कुल जैसे हलवाई वाला आता है, तो इसलिए हलवाई हो गए हम लोग। हाँ अगर देर लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट अच्छा आना चाहिए। अभी 8:30 बजे कम से कम 10 बजे रहे इसमें, हाँ आराम से 10 नहीं तो 9:30-10:30 तो हो ही जाएगा। नहीं कहता ऊपर से स्टोव भी छोटा होता है ना, और पतीली बड़ी है, पतीला बड़ा भगोना बहुत से लोग भगोना कहते हैं, बहुत से लोग पतीला कहते हैं, लैंग्वेज का फर्क है। चलो इसको पकने देते हैं, पकने के थोड़ी देर के बाद मिलेंगे आप लोगों से। और इसको चलाते रहना, ये बता देती हूँ मैं, तो इसको मैं चलाते चलाते थोड़ी देर भून लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे खोया ऐड कर रहे हैं, 1 kg खोया लेके आए थे पापा, तो वो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। और गाजर भी अच्छे से घुल चुकी थी, मतलब आधी गल चुकी थी, और दूध भी बहुत कम हो गया था। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं ऐड किया हम लोगों ने, पूरा आधा 1.5 लीटर दूध ऐड किया है और 1 kg खोया ऐड किया है, और कुछ भी ऐड नहीं किया है, मतलब पानी वगैरह। जो गाजर पानी छोड़ा है ना वही है बस, और बाकी पानी कुछ भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे 1 kg खोया ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हलवे के अंदर, और इसको जब तक भूनेंगे जब तक खोया का मॉइस्चर और दूध का मॉइस्चर पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, बिल्कुल सूखा सूखा सा नहीं हो जाता हलवा, तब तक इसको भूनेंगे। अभी इसमें शुगर ऐड नहीं की गई है, सिर्फ अभी दूध के बाद इसमें डायरेक्ट थोड़ा गलने के बाद खोया ऐड किया जा रहा है। शुगर बाद में ऐड करेंगे, जब ये खोया अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम लोग शुगर ऐड करेंगे इसमें। अभी अच्छे से फोड़ के पापा खोया ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर एक बुरी बात है कि बैंगलोर में मतलब गाय का खोया मिलता है, भैंस का खोया नहीं मिलता है। गाय का खोया येलो येलो होता है तो इतना मतलब अच्छा नहीं लगता है हलवे में, लेकिन फिर भी क्या करें, यहाँ पे मिलता ही नहीं है। जब भैंस का खोया गाय का ही मिलता है तो कुछ नहीं कर सकते, इसी को यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपकी तरफ भैंस का खोया मिलता है तो आप लोग 1/2 kg भी ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर भैंस का मिलता नहीं है तो इसीलिए गाय का ऐड किया हम लोगों ने। तो 1 kg ऐड किया है जिसमें अच्छे से टेस्ट आ पाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके हम लोग छोड़ देंगे, और छोड़ना नहीं है मतलब चलाते रहना है ये हलवे में, ये ना कि पूरे टाइम चलाते रहना है इसको। और देखिए कितना अब इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, 1 kg शुगर ऐड करी थी 1 kg, और 3 kg हलवे में 1.5 लीटर दूध, 1 kg खोया और 1 kg शुगर। और ज़्यादा मीठा नहीं खाते हम लोग तो इसलिए ज़्यादा शुगर ऐड नहीं की। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप लोग टेस्ट करके अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए 1 kg शुगर इनफ थी। मतलब ज़्यादा स्वीट भी नहीं था और ज़्यादा फीका भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था। इतना स्वीट भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे 1-2 चम्मच खाया और मुँह को मार दिया, ऐसा स्वीट भी नहीं अच्छा लगता है। हाँ, 1 कटोरी भर के हलवा खाओ तो खाने का अभी मन करे, ऐसा होना चाहिए हलवा। तो गर्मा गर्म बनाइए और खाइए आप लोग भी। तो इसमें शुगर ऐड कर दिया, अब इसको हम लोग चलाते हुए जब तक पकाएंगे जब तक इसका पूरा जो आपको दिख रहा है ना मॉइस्चर वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हम लोग को अच्छे से भूनना है इसको चलाते हुए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से भून रहे थे तो बीच में काजू ऐड करे, बादाम ऐड नहीं करे क्योंकि काजू ही इतने ज़्यादा थे। तो मम्मी ने कहा कि बादाम नहीं ऐड करते हैं, काजू ही ऐड करते हैं। आधे रोक लिए थे लास्ट में डालने के लिए, आधे इसी के अंदर ऐड कर दिए क्योंकि काजू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो हार्ड हार्ड अच्छे नहीं लगते। तो काजू भी हाफ़ ऐड कर दिए, हाफ़ बनने के बाद ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे और इसको चलाते ही रहना है दोस्तों, बिल्कुल भी हाथ रोकना नहीं है। कुकर में बना सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है। हलवाइयों के ऐसे ही बनता है, बड़ी सी कढ़ाई में हलवा ऐसे ही बनाते हैं, वो चलाते रहते हैं, मतलब पूरे टाइम इसको चलाना है जिसमें नीचे लगे ना। तो 1-2 आदमी चाहिए हर टाइम पूरे टाइम चलाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, पूरा दूध भी ख़त्म हो गया, पूरा खोया भी अच्छे से मिक्स हो गया उसके अंदर, और हलवा बनके रेडी है गर्मा गर्म बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और इतना टेस्टी बना था ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आप लोग को मैं खिला, आप लोग खुद बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ऐसे तरीके से हलवा बना के। तो इस टाइप से अगर आप लोग हलवा बनाएंगे ना तो आप लोग के घर वाले भी तारीफ़ करेंगे और आप लोग को भी लगेगा कि इतनी मेहनत जो की है ना वो सफल हो गई है हमारी, ऐसा लगेगा आपको। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हलवा बनके रेडी होता है। और बनाइएगा तो ज़रूर 1 kg तक गाजर का ज़रूर बनाइएगा, जिसमें कुछ दिनों तक रख के खा सके आप लोग। थोड़ा सा बनाएंगे और इतना टेस्टी बनता है, इतनी मेहनत लगती है, तो ज़्यादा बनाना चाहिए कि इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो कुछ दिन तो खाएं मज़े लेके। तो ज़रूर 1 kg गाजर का तो ज़रूर बनाइएगा। यहाँ तो 3 kg का बना और ये 3-4 दिन भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि हम लोग के घर में इतने शौकीन है ना गाजर के हलवे के कि कुछ बता नहीं सकती मैं। और बहुत ही टेस्टी बना था, तो मैं भी अब खा के आप लोग को बताती हूँ कैसा बना था।
गर्मा गर्म हलवा मज़ा आ गया था खा के बिल्कुल। और आप लोग को पसंद आए तो वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआओं में याद रखिए, और ऐसे ही हलवे बना के खाते रहिए। फिर मिलती हूँ दोस्तों, बाय बाय।